हेलो ऑल, वेलकम टू प्लैनेट वेजिटेरियन। तो आज मैं पोटैटो स्माइलीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 2 कप उबले हुए आलू, 1.5 कप ब्रेड क्रम्स, नमक, कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच और पिंच और आधा चम्मच हल्दी। तो सबसे पहले एक बोल में हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू डाल दिए हैं और ये ब्रेड क्रम्स, साथ में नमक और लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसमें मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए तो बहुत सिंपल रख रही हूँ। और कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे, इससे थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंचीनेस आ जाएगी पोटैटो स्माइलीज़ में। तो इसको सबसे पहले नीट कर लेंगे, या जैसे हम आटा तैयार करते हैं वैसे इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। और फिर एक फ्लैट सरफेस पे, यहाँ मैंने चकला यूज़ किया है तो इस पे मैं ऐसे इसको बिठा दिया है डो को। अब स्माइली फेसेस बनाने के लिए सबसे पहले इसे गोल काटना है, तो यहाँ मैं ग्लास को यूज़ करते हुए गोल स्माइलीज़ काट रही हूँ और जो एक्स्ट्रा डो है उसको बाद में यूज़ करूँगी, इसीलिए उसे हटा रही हूँ। अगर आपको चकले का यूज़ नहीं करना है तो आप स्लैब पे भी बड़ा सा एक रोल बना सकते हैं और बहुत सारे स्माइलीज़ एक साथ काट सकते हैं। तो यहाँ पे अब स्माइली का फेस बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रॉ से उसकी आंखें बना दी हैं। और अब मैं एक स्पून की हेल्प से एक स्माइली फेस या एक स्माइल बनाऊंगी। इसको बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि जो आइस के सर्कल्स हैं वो एकदम कॉर्नर की तरफ नहीं जाएं, नहीं तो वो खुल जाएगा और वो बंधा नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे ये खुल रहा था तो मैंने इसे वापस प्रेस किया है। तो अभी ये फ्राई होने के लिए तैयार है, पर मैं और बैचेस बना के रख लूँगी। तो ये मैं एक और बैच बना रही हूँ। तो दोबारा मैंने ये ऐसे फैला दिया है और अब इसको मैं थोड़ा सा फ्लैट करूँगी। तो मैं इसके लिए बेलन से इसको थोड़ा सा बेल रही हूँ। और अब बिल्कुल वैसे ही दोबारा से स्माइलीज़ को बनाएंगे। तो सर्कल्स, फिर आईज़ और स्माइल, और उसके बाद ये डीप फ्राई करेंगे। तो एक तरफ मैंने डीप फ्राई करने के लिए ऑलरेडी ऑयल गैस पे रख दिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं उसे थोड़ा सिम पे कर दूंगी और फिर इसे डीप फ्राई करूंगी। तो ऐसे करके मैंने सारे डोका बना लिया है स्माइली फेस, और ये अब मैंने तेल में स्माइली फेसेस ऐड करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये मैंने अभी एक डाला है और अभी मैं और भी ऐड करूंगी। तो इसको क्रिस्पी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है पहले तेल को गर्म कर लो और फिर उसको सिम पे करके इसको धीरे धीरे कुक होने दो और ये क्रंची हो जाते हैं। और 2-2 मिनट्स के इंटरवल में इसको पलटते रहना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं, बस और 2 मिनट में मैं इनको निकाल लूँगी और बस स्माइलीज़ तैयार है। तो यहाँ ये पोटैटो स्माइलीज़ अब तैयार हो गई हैं। एक बार जब इनको निकाल लेंगे फ्राई के बाद तो उनका मुंह जो है वो बंद हो जाता है, तो स्पून से दोबारा से मुंह को लाइक स्माइल को ठीक कर देंगे और ये अब बन के ऐसा लग रहा है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।